तो गाइज अभी ये भैया सीट लगा रहे थे तो एक थोड़ा मुझे दिख गया हल्का सा, यहाँ पे सीट कवर बहुत ही डैमेज है, मतलब तो बहुत बुरा लग रहा है। एक बार भैया हाँ, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज अभी बिल्कुल जस्ट सो के उठा हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है ना, तो दैट्स वाई। और हम लोगों का आपको पता ही है सुबह कब निकलते हैं, शाम को रात में घर कब आते हैं, तो आने जाने का कोई टाइम टेबल है ही नहीं। तो शायद और अभी बाइक भी ले ली है तो बाहर निकलता हूँ रात को, हल्की फुल्की जैसे होता है ना ठंड का जो आसार होता है कि मतलब अब ठंड आएगी, उस टाइप का मौसम चल रहा है। जैकेट लेके निकला नहीं तो मैं भी शायद उस वजह से हो गया है, बस कोल्ड हो रहा है और थोड़ा सा फीवर तो नहीं है बट कुछ ऐसा लग रहा है, बट सर में दर्द और कोल्ड ये चल रहा है। तो फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से नीचे, थोड़ा कुछ अदरक वाली बढ़िया गरम गरम चाय पीते हैं। तो गाइज अभी नीचे आ गया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा डार्लिंग को भी देख लूँ पार्किंग में क्या हाल है, और क्यों मुझे डेली मुझे क्यों देखने के लिए आना पड़ता है, अभी मैं उसका रीज़न बताऊँगा। गाइज ये रही अपनी डार्लिंग, अभी मैं रीज़न बताता हूँ कि मैं यहाँ पे मतलब डेली क्यों देखने आना पड़ता है। बिकॉज देखो अभी वहाँ पे खड़ी है, मैंने जब कल परसों खड़ी की थी तो यहाँ पे थी, इधर मतलब यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया है। हाँ जी भैया, ये जो मेरी वाली बाइक है ना R15, वो जहाँ खड़ी रहती है ना उसको वहीं पर रहने दो, उसको इधर उधर मत करो। कल किसी ने परसों शायद शक्ति भैया ने हटा दिया था शायद। हाँ हाँ, नहीं तो कोशिश कीजिए जहाँ खड़ी है वहीं रहे, है ना। तो गाइज फाइनली आई गॉट माई टी। यार बाहर धूप बहुत तेज़ है और रात में ऐसा लगता है कि ठंड आने वाली है, मतलब ठंड के कुछ आसार होते हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा मौसम ऐसा लग रहा है कि चेंज हो रहा है, तो तबीयत इस वजह से ख़राब भी हो रही है। तो मुझे लग रहा है शायद मेरी तबीयत इसी वजह से ख़राब है। अब मैं बताता हूँ कि मैं पार्किंग में डार्लिंग को देखने क्यों जाता हूँ। अभी आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि मैंने बाइक कहीं खड़ी और की थी और जब मैं गया तो मुझे कहीं मिली, और ये दो तीन बार हो चुका है। और ये होता इस वजह से है कि मैंने भैया को कई बार बोला है कि मेरे को कोई ऐसी जगह बताइए कि जहाँ पे आपको ये बाइक डिस्टर्ब ना करे, मतलब किसी और को बाइक निकालनी हो, किसी को गाड़ी निकालनी हो तो ये डिस्टर्बेंस ना हो। तो उन्होंने मुझे भैया वही जगह बताई थी कि यहाँ पर सेफ है, कोई टच नहीं करेगा, आप यहीं खड़ी कर दो। तो मैं वहीं पे खड़ी करता हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं आता हूँ तो मुझे कहीं और मिलती है। ऐसा दो तीन बार हुआ है, बहुत बार नहीं, दो तीन बार हुआ है। तो मुझे बस यही है, डर है कि वो लॉक है, चाबी मेरे पास में है घर पे, तो अगर उनको कहीं शिफ्ट करना पड़े किसी रीज़न से तो सीधी बात है घसीट के ही करेंगे, क्योंकि चाबी तो मेरे पास है, वो लॉक है ऑलरेडी। तो सर ऐसे में स्टैंड या फाइबर या कुछ भी डैमेज होने का चांसेस होता है, तो दैट्स वाई वही भैया को मैंने बोला है, भैया ने बोला डोंट वरी वहीं पर खड़ी करो, अब नहीं होगा। तो अच्छी बात है, तो चलो पहले चाय पी लें। तो गाइज अभी चाय वाय पी ली है, चलते हैं घर। अभी पहले नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं। यार मतलब कोल्ड की वजह से ना ये पूरा बहुत हिस्सा ऐसा लग रहा है बहुत भारी हो गया है। चलो अभी घर चलते हैं, पहले नहाते धोते हैं। तो गाइज गृह प्रवेश हो गया है, आ गए हैं घर में, अब चल रहे हैं नहाने। अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊं, ये पीछे जो बैकग्राउंड है आपने बहुत वीडियो में देखा होगा, तो मे भी आप सोचते होंगे, दिमाग तो लड़ाते ही होंगे कि ये वीडियो हमेशा यहीं क्यों बनाता है, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी आती है और वीडियो की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है, दैट्स वाई। और कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, अकेले रहता हूँ तो छोटा ही घर मैंने लिया हुआ है और रेंटेड है, रेंट पे है, मेरा अपना नहीं है। बस हाँ आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो जल्दी अपना भी घर ले लेंगे, तो बहुत हो गया ज्ञान, चलो पहले नहाएंगे अब। तो गाइस अभी नहा वहा लिया है, चलते हैं नीचे, पहले देखते हैं खाने के लिए क्या मिलता है, भूख लगी है, खाना भी जरूरी है, चलो अभी। गाइज आ गए हैं अभी वेज बिरयानी खाने, बहुत मस्त बिरयानी बनाते हैं भैया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइज ज़्यादा महंगा नहीं है, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, ऐसे ही है। तो गाइज फाइनली मेरी बिरयानी आ गई है, ये वेज है, मैं बताना भूल गया था, नॉन वेज नहीं है, वेज है। इसमें चाप सोयाबीन मस्त बनाते हैं, बस चलो अभी खा लें पहले।
फाइनली भैया हमारी बिरयानी खाली हो गई खत्म। भीड़ देखो यहाँ पे कितनी लगती है। तो गाइज अभी खाना पीना हो गया है, बट डार्लिंग ना बारिश की वजह से थोड़ी गंदी हो गई है। मतलब बारिश हुई थी ना 2-3 दिन यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी गंदी हो गई। मैं सोच रहा हूँ उसको वॉश करवा दूँ, बिकॉज़ अगर ऐसे ही गंदी रहेगी तो जंग वंग लगने के चांसेस होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो बारिश की वजह से देखो कितनी गंदी हो गई यहाँ पे। ये देखो पूरा अंदर सब, ये इधर से भी बहुत ज़्यादा। तो सोच रहा हूँ इसको वॉश करवा दूँ। इधर सी, इधर भी बहुत गंदा हो गया। इधर अंदर, इधर देखो, सोच रहा हूँ वॉश करवा दूँ आज इसको। तो चलो अभी चलते हैं डार्लिंग को नहलाने। तो फाइनली गाइज आ गए हैं डार्लिंग को वॉश कराने, चालू हो गई प्रक्रिया। ये का टैंक कवर कर रहे हैं भैया, पानी न जाए। तो गाइज फाइनली भैया ने देखना ये पूरा कवर कर दिया अच्छे से, ताकि इसके टैंक में पानी ना जाए। अब शुरू होगा वॉशिंग, काम हो गया चालू। फाइनली गाइज डार्लिंग ने नहा लिया, अभी इसको सुखा के पहले अभी इसको पॉलिश करवाएंगे। चलते हैं पहले इसको सुखाते हैं, फिर पॉलिशिंग के लिए लेके चलते हैं। तो गाइज फाइनली आ गए पॉलिश कराने के लिए। अब पहले इसको सुखा लें, पानी आ रहा है ना इस पर, पानी की बूंदें अभी। तो गाइज़ अभी ये वॉश होके आई है पॉलिशिंग के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ इसका सीट कवर भी बनवा ही लूँ। भैया कह रहे हैं कस्टमाइज़ कराना पड़ेगा अगर अच्छा चाहिए, तो फिर मैं अच्छा ही बनवा रहा हूँ अच्छे से कस्टमाइज़ करवा के। पीछे का सीट निकाल दिया, ये रखा है, अभी आगे का भी खोल के अब मैं आपको फाइनल दिखाऊंगा जब ये सीट कवर बनके आ जाएगा। तो गाइज ऑलमोस्ट पॉलिशिंग फिनिश हो गई भाई, चमक रही है अलग ही। भैया ने तो पूरा चमका दिया भाई। अब सीट गया है पहले, सीट कवर जो है वो गया है साइज़ लेने के लिए, कवर के लिए। सीट आ जाए फिर यहाँ पर फिट करके चलते हैं यहाँ से। भाई सच में भैया ने चमका दी भाई, मज़ा आ गया। तो गाइज फाइनली अभी मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ घर। बिकॉज जो सीट का कवर बनाना है तो उसके लिए जो बाइक की सीट है वो वही भेजना पड़ा है, ताकि फिटिंग प्रॉपर आए। और मैं सोच रहा था थोड़ा अच्छे से कस्टमाइज़ कराने के लिए उसमें, जैसे बाइक आपने देखा है कि अब ब्लू ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, तो मैं सोच रहा था सीट ब्लैक होती है ऑब्वियसली, उसमें ब्लू कुछ आ जाए तो मतलब बाइक के साथ अच्छा लगेगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने कहा ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो अभी ऑप्शन उनके पास है भी नहीं। तो आई थॉट कि चलो ब्लैक ही कर दो पूरा, आगे फिर कभी अगर मुझे कहीं दिखेगा कुछ अच्छा तो उसके बारे में सोचूंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, पहले थोड़ा फ्रेश हूँ। फ्रेश इन द सेंस कि नहा तो लिया था मैंने, फेस वेस वॉश करूँ, कपड़ों पर चेंज करूँ, जाना है मुझे थोड़ा सा काम से। तो अभी पहले थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, चेंज कर लूँ, फिर बाइक के पास चलते हैं, देखते हैं बाइक का सीट कवर कैसा लग रहा है, तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। गाइस जा रहा था घर, ये दुनिया के सबसे सुखी इंसान दिख गए मेरे को, पी के पड़े हुए हैं, कोई चिंता ही नहीं है यार। समझ में नहीं आता यार कि मतलब लोग इतना पीते क्यों हैं महाराज, झिलती नहीं है फिर भी। अब झिलना तो डिफरेंट थिंग है यार, मतलब फैमिली परिवार लोग बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, मतलब कहाँ पी के पड़े हैं पता नहीं, इनकी लाइफ कैसे चल रही है। हम साले यहाँ काम कर कर के मर जाते हैं, फिर भी सपने पूरे करने के लिए लगे पड़े हैं। इनका तो भैया इन्हीं का सही है। ये जो भैया पड़े हैं ना, इनको देख के मेरे को अभी याद आ गया, मैं भूल गया था, अभी जब मैं डार्लिंग को लेके जा रहा था ना वॉश कराने के लिए, एक ऐसे ई रिक्शा वाले भैया थे। भैया पता नहीं पी रखी थी क्या है, आँखें बिल्कुल लाल एकदम सुर्ख, उन्होंने ला के डार्लिंग में मार दिया। बट शुक्र है कुछ डैमेज नहीं हुआ, मतलब ठीक था, वो टायर में मारा उन्होंने तो कहीं कुछ ना, तो उनका नुकसान हुआ ना मेरा, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा बहुत आया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार दिखाई नहीं देता, आप देख के तो चलो, और दिन में पी के चल रहे हो आप। तो कह रहे हैं लग गई तो क्या हो गया, मतलब मूड ख़राब हो गया यार। मैं तो सच में इतना ज़्यादा, मेरा आपा मैंने खो दिया था उस टाइम पर,
लग गई कोई बात नहीं, उन्होंने कह उन्होंने अगर ये बोल दिया होता कि लग गई सॉरी कोई बात नहीं आगे से मैं ध्यान रखूंगा या जो भी है उनके ड्राइविंग के ऊपर, भाई उनकी भी तो अपनी लाइफ है, उनके अपने फैमिली बच्चे होंगे, ये सब मतलब उनको अपना खुद को रियलाइज़ करने की बजाय मेरे को कह रहे लग गई तो क्या हो गया। मतलब मैंने ना सच में थोड़ी देर के लिए वो पागल हो गया था मैं, पर आगे क्या हुआ छोड़ो उसको, चलो यार अभी चलते हैं घर। और हाँ ये चीज़ तो मैं बताया ही नहीं कि वो खड़ी बाइक में उन्होंने मारा था, मतलब चल नहीं रही थी, मैंने वॉश करने के लिए रोड पे खड़ी कर रखी थी साइड में, जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पार्क कर दो, तो उन्होंने बिल्कुल किनारे में लाके मारा था, तो इसलिए और मूड ख़राब हुआ था मेरा। तो गाइज़ अभी 6 बजने वाले हैं, भैया ने मुझे 6 बजे बुलाया था बाइक देने के लिए, वो सीट कवर लगा रहे हैं ना वो, तो दैट्स वाई। तो अभी मुझे काम से भी निकलना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले बाइक ले आऊँ फिर चेंज करूँ कपड़े, तो पहले चलते हैं बाइक वहाँ से लेके आते हैं, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करूँगा, फिर मुझे निकलना है काम से थोड़ा सा। तो गाइज़ फाइनली सीट कवर आ गया, लगा रहे हैं भैया, अब एक बार लग जाए फाइनल फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ अभी ये भैया सीट लगा रहे थे, तो एक थोड़ा मुझे दिख गया हल्का सा, यहाँ पे सीट कवर बहुत ही डैमेज है, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। एक बार भैया हाथ हटाओ, ये देखो यहाँ पे, ये देखिए पूरा ये सीट कवर बना के भेजा, ये फिटिंग बराबर नहीं है, देखो कितना गंदा लग रहा है, तो वापस भेज रहा हूँ मैं फिर से। तो गाइज फाइनली सीट कवर लग गया, कुछ ये ऐसे लगवाया मैंने। तो गाइज फाइनली रेडी हो गया मैं, कपड़े उपड़े चेंज कर लिए, हाँ सीट कवर वगैरह लग गया है, और बाइक ड्राइव करके मैं आया हूँ घर तक, मतलब कंफर्टेबल है, अच्छा है, बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी। बट थोड़ा सा मुझे प्राइस ज़्यादा लगा, ज़्यादा नहीं 100-150 रुपये प्राइस मुझे ज़्यादा लगा, बट ओवरऑल अच्छा है, वेरी नाइस, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी मेरा बैग, मेरा हेलमेट और बस मुझे उठाना है और यहाँ से निकलना है। और हाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, 7:18 हो रहे हैं शाम को। अब पता नहीं मैं अभी ड्राइव करूँगा तो शायद आगे व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मेरा आईफोन है, GoPro कैमरा नहीं है मेरे पास जो हेलमेट में लगा के मैं व्लॉग करता रहूं। बट आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, हेल्प मिलती रहेगी, तो 100% मैं सारे इक्विपमेंट्स खरीद लूँगा धीरे धीरे, GoPro एंड जो भी है 360 होता है कैमरा, कौन सा होता है मुझे पता नहीं है, मतलब पता कर, मतलब ठीक है जब लेना है तो कुछ ना कुछ पता करना ही पड़ेगा, वो ले लेंगे बाद में, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, आगे का व्लॉग देखता हूँ, अगर कर पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर फ्री होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। देखो ये रहा मेरा हेलमेट, ये रहा बैग, अब फटाफट उठाते हैं यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं डार्लिंग के पास, बैग वैग ले लिया, हेलमेट वेलमेट ले लिया, फटाफट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डार्लिंग को और फटाफट निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। देखो ये रही डार्लिंग अपनी, अंधेरा है ना पार्किंग में, प्रॉपर दिखेगा नहीं। तो गाइज फाइनली हो गया काम ख़त्म और मैं वहाँ से वापस भी आ चुका हूँ, अभी घर पे नहीं हूँ, अपने अपने ही मार्केट में हूँ, अभी जस्ट बिल्कुल बाइक यही खड़ी की है, अब थोड़ा चाय वाय पी लें फिर यहाँ से चलते हैं घर। तो गाइज अभी चाय मिली नहीं, 11:30 बज रहे हैं तो फिर अभी इतनी रात को कहाँ मिलेगी चाय, तो चलो चलते हैं घर अभी। तो गाइज फाइनली अभी मैं घर आ चुका हूँ, टाइम हो रहा है 11:50, डार्लिंग को पार्किंग में खड़ा कर दिया है, आके थोड़ा फ्रेश होके कपड़े चेंज करके बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। ज़िंदगी में क्या है यार, बस भागते रहो, पता नहीं किसी को घर से निकलते ही सक्सेस मिल जाती है, कोई बस लगा ही पड़ा रहता है, मैं पता नहीं कब सक्सेस मिलेगी। सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो, वीडियो मतलब लाइक करो यार, बस कर दो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कॉमेंट्स कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाओ, और हाँ मुझे साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें एंड फॉलो करें, सपोर्ट करो, आई मीन कर दो यार प्लीज़, बहुत बहुत मेहनत लगती है बाबा एक वीडियो बनाने में, बहुत मतलब आप सोचो सुबह उठो, उसके बाद आपका क्या प्लान है, पूरा शूट करना, रात में एडिट करना, अभी 12 बज रहा है, 10 मिनट बाकी है अभी, इसको एडिट करके और अपलोड करने में पूरा कम से कम आई थिंक 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो सुबह 4 बज जाएगा, डेली का यही रूटीन है, 4 बज जाते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करो यार, सो
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।